हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस थापा। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स इंट्रोडक्शन। यानी स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स क्या होता है इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। बट कभी भी स्टूडेंट्स अगर न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसके बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट को ध्यान से ज़रूर देखने हैं और उसको समझने की कोशिश करना है। बिकॉज स्टार्टिंग में समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टार्ट समझ में नहीं आए तो एंड भी आपकी समझ में नहीं आएगा, बहुत दिक्कत होगा। तो फॉर दिस स्टूडेंट्स ज़रूरी है कि इंट्रोडक्शन पार्ट या स्टार्टिंग में ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स से पहले वाले चैप्टर हमने पढ़े थे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ही एक डिटरमिनेंट है बट स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। वो क्या टाइप है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़े थे। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस जिसके ऑर्डर इक्वल होते हैं। ऑर्डर इक्वल मींस रो और कॉलम इक्वल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मींस अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। DET लिखा है मैंने, DET मीन्स डिटरमिनेंट्स। इट मीन्स सपोज ए कोई मैट्रिक्स लेता हूँ मैं 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे ऑर्डर देखते हैं तो 2x2 का है। इट मीन्स दिस इज अ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हम इस तरफ ब्रैकेट क्लोज में नहीं लिखते हैं। मैट्रिक्स को, डिटरमिनेंट्स को हम इस तरह लिखते हैं। ये मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट को लिखते समय इसी को 3, 4, 5, 6 इस तरह लिखते हैं। और ऑर्डर यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, बस ऑर्डर 2 कहते हैं इसको, ओनली ऑर्डर 2। बिकॉज ये 2x2 का है तो ऑर्डर 2, 3x3 होगा तो ऑर्डर 3 कहते हैं यहाँ पे। और इनको सॉल्व करने का तरीका अलग है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं एक डिटरमिनेंट की, कोई बी ले लिया मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो 2 रोज हैं 2x3, तो ये डिटरमिनेंट नहीं होगा बिकॉज ऑर्डर इक्वल नहीं है, ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे 1, 2, 5 इस तरह आ जाता है 3x3, तब ये क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट हो जाएगा ऑफ ऑर्डर 3। डिटरमिनेंट्स के ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं, ऑर्डर 1 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह लिख दे 3, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट सपोज ए है, ए इक्वल टू डिटरमिनेंट 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट 3 की वैल्यू 3 ही रहता है, क्योंकि डिटरमिनेंट 3 इज इक्वल टू 3। अगर डिटरमिनेंट -3 होता तो दिस ऑल्सो डिटर्मिनेंट -3। ऑर्डर 2 की बात करते हैं, ऑर्डर 2 सपोज एक मैट्रिक्स लेते हैं ऑर्डर 2 का 2, 2, 3, 5, 6, दिस इज अ डिटर्मिनेंट। अब देखिए डिटर्मिनेंट को इस तरह भी डिनोट करते हैं, DET डिटर्मिनेंट ए इस तरह भी लिख सकते हैं और डिटर्मिनेंट ए ऐसे भी राइट करते हैं, बोथ आर सेम केस। डिटर्मिनेंट फिर ए लिख दो या और डिटर्मिनेंट ए को इस तरह भी राइट कर सकते हैं। अब देखिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें इस तरह करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन करना इसका आना चाहिए। तो इस तरह करते हैं 2 into 6, फिर यहाँ पे माइनस साइन आता है, देन आफ्टर 5 into 3। इसको सॉल्व करेंगे 2, 6 जा 12, -5, 3 जा 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 -15 is -3। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुका है, यानी डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -3। तो इस तरह हम क्या करते हैं, ये था 2x2 यानी ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट।